हेलो दोस्तों दोस्तों 1957 में आई फिल्म दिल तो पागल है जिसने आते ही ताबड़तोड़ कमाई की थी। सभी को ये फिल्म बहुत पसंद आई थी, सभी को ये फिल्म इतनी पसंद आई थी कि इसे आज भी टेलीविजन पर हजारों बार देख लिया जाता है। फिर भी ये फिल्म वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक साबित होती है। और जहां इस फिल्म की कलेक्शन की बात करें तो उसने उस टाइम में भी मिलियंस में कमाई की थी, और यही नहीं 97 बिलियंस कमाना उस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था जो किसी भी फिल्म ने करके नहीं दिखाया था। और मिस्टर बादशाह शाहरुख खान की ये फिल्म सभी को बहुत पसंद है। इसमें माधुरी दीक्षित है, इसमें करिश्मा कपूर है और साथ ही अक्षय कुमार भी इस फिल्म में शामिल है। ऐसे में इन चारों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। यश चोपड़ा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, तो वहीं इसकी स्टोरी लिखने वाले आदित्य चोपड़ा है। तो दोस्तों बेसिकली इस फिल्म को क्रिएट करने वाले ही चोपड़ा खानदान है। और अगर देखा जाए यशराज फिल्म्स ने इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से बनाया था और इस फिल्म को आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो बता दें इस फिल्म की सीक्वल की अब बात हो रही है। इस सीक्वल में शाहरुख खान के साथ कौन कौन नजर आएंगे, आइए आपको बताएंगे। दोस्तों दिल तो पागल है सभी की फेवरेट फिल्मों में शुमार होती है और इसने ग्रॉस कलेक्शन 710 मिलियन का किया था, हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ द ईयर भी बनी थी। तो वहीं आपको बता दें अक्षय कुमार, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर की परफॉर्मेंस सभी को बहुत पसंद आई थी। 45th नेशनल अवार्ड्स में से इनको 3 अवार्ड्स मिले थे जिसमें बेस्ट पॉपुलर अवार्ड भी शामिल है। 43rd फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर यश को दिया गया था और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर अक्षय कुमार को दिया गया था। साथ ही 8 अवार्ड्स भी इंक्लूडेड है इसमें, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी। तो दोस्तों आज भी इस फिल्म की क्रेजीनेस ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को दिल तो पागल है के सीक्वल का इंतजार है। तो दोस्तों बात ये सामने आई है कि इस बार दिल तो पागल है आएगी लेकिन न्यू स्टार कास्ट के साथ। इस बार शाहरुख खान भी नजर नहीं आएंगे, माधुरी दीक्षित भी नजर नहीं आएंगी और करिश्मा कपूर भी नजर नहीं आएंगी, बल्कि इस बार दिल तो पागल है को नया एंगल दिया जाएगा। लेकिन अगर आज दिल तो पागल है बनती है तो इस बार शाहिद कपूर या फिर कार्तिक आर्यन को शाहरुख खान की जगह पर देखा जा सकता है, और वहीं माधुरी दीक्षित की जगह है कियारा आडवाणी या फिर कृति सेनन। देखने वाली बात होगी कि करिश्मा की जगह कौन लेने वाला है। वैसे देखा जाए तो अगर ये तीनों वाली बॉन्डिंग फिर देखती है तो ऐसा ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आदित्य चोपड़ा के दिमाग में कुछ न्यू प्लानिंग जरूर बन रही होगी। और अगर ये सीक्वल बनाते हैं इस बार तो सीक्वल में जरूर कुछ नया स्टोरी भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों क्या आप दिल तो पागल है को फिर से देखना चाहते हैं? क्या दिल तो पागल है का सीक्वल बनना सही होगा? तो दोस्तों क्या आप आदित्य चोपड़ा की मच अवेटेड फिल्म दिल तो पागल है देखने के लिए बेताब हो रहे हैं या फिर आपको शाहरुख खान को देखने की एक्साइटमेंट है? अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान जरूर रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।